सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी मोटो ब्लॉग। तो भाई कैसे हो आप लोग? तो आज भाई हमारे पास KTM ड्यूक 125 आ गया है, जो कि भाई 125 सीसी में इससे बेस्ट कंफर्टेबल और पावरफुल की बात कर लो तो कोई बाइक नहीं हो सकती भाई। 125 सीसी में भाई अगर RC की तरफ भी जाओगे तो RC में थोड़ा डिसकम्फर्ट हो जाता है, बाकी इसमें आपको कम्फर्ट मिल जाता है और पावर भी अच्छी खासी देखने मिलती है। तो इसका आज हम डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं, तो चलो फिर मिलते हैं आपको वीडियो में और आखिर तक वीडियो देखना है पूरी। तो भाई इसके फ्रंट लुक से शुरू कर देते हैं। तो फ्रंट लुक में आ जाए तो भाई इसमें पुराने वाली अपना जो हैलोजन हेडलाइट आती थी वही देखने को मिलती है, जो कि अपनी ड्यूक 200 में भी पहले हेलोजन हेडलाइट आती थी, बट न्यू अपडेट आ गया LED हेडलाइट का, जो कि ड्यूक 250 में और 390 में आती थी। इसमें पता नहीं कब आएगा, बट इस प्राइस सेगमेंट में और 125 cc के हिसाब से बेस्ट है भाई। तो एक बार इसकी मैं विजिबिलिटी ऑन करके दिखा देता हूँ कैसी है। तो यहाँ से पता नहीं, ये है भाई अपनी हेलोजन मतलब हेडलाइट, काफ़ी अच्छी लग रही है भाई। बाकी इसमें अगर बात करें तो मीटर पे आ जाते हैं एक बार, तो मीटर पे आ जाए तो अपना वही पुराने वाला मीटर देखने को मिल जाता है, जिसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। अपना जो ऊपर RPM मीटर आ जाता है, गियर शिफ्टिंग आ जाती है, यहाँ पर अपना स्पीडो मीटर आ जाता है कितने स्पीड पर चल रही है, यहाँ पर अपना वो आ जाता है कि साइड स्टैंड कट ऑफ भी देखने को मिल जाता है इसमें फीचर। साथ में अगर नीचे आ जाए तो फ्यूल का सिस्टम भी देखने को मिल जाता है कि कितना फ्यूल है, इंजन टेम्परेचर भी बता देते हैं, और अपना यहाँ पर आ जाए तो अपना टाइम भी बता देते हैं। तो बेसिक वही है, बाकी इसकी एक बार साउंड सुना होगा, ये कुछ ऐसी कुछ साउंड है इसकी, कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। और इसका कलर है ना, कलर थी मेरे को बढ़िया लगती है इसकी, जो अपना वाइट और ऑरेंज कलर में आती है। और अगर हम नीचे आ जाए तो इसकी ब्रांडिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है हमको भाई, ड्यूक 125 यहाँ पर ब्रांडिंग देखने मिल जाती है। इसकी चेसिस भी ऑरेंज कलर में आती है। और अगर हम इसके सिटिंग कंफर्ट की बात करें तो वही है अपना ड्यूक 200 वाला ही, ड्यूक 200 390 और 250 में सिटिंग कंफर्ट एक जैसा ही है और बढ़िया सिटिंग कंफर्ट के साथ आ जाती है। और कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी दे रखी है सीट की, और पिनियन भी काफ़ी कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है। जो इसकी ग्रैब है काफ़ी अच्छे हैं, आराम से बिना मतलब डिस्कम्फर्ट करे मतलब बैठ सकता है आराम से पकड़ के। और अगर हम यहाँ पर फुटरेस्ट की बात करते हैं तो फुटरेस्ट की भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी दे रखी है। और बैक लुक में आ जाता है, इसके बैक लुक में आपको जो अपनी है LED टेल लाइट नॉर्मली आती है वही देखने को मिल जाती है, जो कि अपनी LED इंडिकेटर्स के साथ आ जाती है, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के LED इंडिकेटर्स हैं। और इसके बैक टायर की बात करें तो 150 mm का स्टॉक बैक टायर देखने को मिल जाता है। तो भाई फ्रंट टायर सेक्शन की बात करें तो 110 mm का टायर सेक्शन देखने को मिलता है। और आपको अगर हम इसके पावर स्पेसिफिकेशन पे आ जाते हैं, ओवरऑल लुक्स हो चुकी है, ओवरऑल लुक्स आपको पता ही है भाई ड्यूक की कितनी ख़तरनाक मिल जाती है। साथ ही में एक बार इसकी क्लच और ब्रेक क्वालिटी की बात करते हैं, जो इसमें दे रखी है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दे रखी है भाई, पर्सनली बताऊँ। और यहाँ पर इसकी जो ग्रिप मिल जाते हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और इसके एक बार हैंडल की बात और कर लेते हैं, हैंडल और रह गया तो इसमें आपको वही किल स्विच जो नॉर्मली हाई बीम लो बीम का बटन देखने को मिल जाता है इंडिकेटर्स का, साथ ही साथ नीचे आ जाए तो यहाँ पर ऑन का बटन, और राइट साइड में अपना जो नॉर्मल किल स्विच का बटन आता है और नीचे स्टार्ट का बटन आ जाता है, वही नॉर्मल कुछ चेंजेस नहीं है वही देखने को मिलता है। और इसकी ओवरऑल लुक्स तो हो चुकी है भाई, अब इसके पावर स्पेसिफिकेशन में आ जाता है कि आपको ड्यूक 125 में क्या पावर देखने को मिलती है। तो अगर इसके पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो भाई 124 cc का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि अपना सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOHC इंजन देखने को मिलता है। और नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करें तो सिंगल सिलेंडर आती है अपनी ये ड्यूक 125, जो कि अपनी 14.5 PS की पावर प्रोड्यूस करता है 9,250 RPM पे, एंड टॉर्क की बात करें तो 12 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो कि 8,000 RPM पे प्रोड्यूस कर देती है। बाकी इसकी पावर स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी है 125 cc के सेगमेंट के हिसाब से। और इसका इनिशियल जो वो होता है, इनिशियल जो पंप होता है, वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि भाई मैंने भी पर्सनली चला के देखी है तो काफ़ी अच्छा इसका इनिशियल पंप मिलता है। जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा होता है KTM बाइक्स का, आपको पता ही है। और इसमें अगर बात करें तो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में सेक्शन में भी डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, जो काफ़ी सही बात है भाई इसमें। और फ्यूल्स
टैंक की बात करता है, इसमें मेन फ्यूल टैंक कितने कैपेसिटी देखने को मिलती है, तो अपना ये जो फ्यूल टैंक है 13.4 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है और इसकी माइलेज काफ़ी अच्छी है भाई। 46 की माइलेज आपको जो सिटी में दे सकती है, जो कि अपनी कंपनी क्लेम करती है। तो भाई 40 और आपके चलाने पे भी डिपेंड करता है, अगर आप रेस चलाओगे तो आपको 40 तक दे सकती है, तो काफ़ी अच्छी माइलेज है 125 सीसी के हिसाब से। और बाकी अगर इसके हम DRLs की बात करें तो आपको मैंने बता ही दिया, हैलोजन्स देखने को मिलता है, स्पीडोमीटर भी डिजिटल, ऑडोमीटर और ट्रिप मीटर भी डिजिटल देखने को मिलता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। बाकी तो इसमें भाई और कुछ नहीं है, और मतलब आपको पता ही है भाई कि कितनी बढ़िया बाइक है इसकी। एक बार ऑन रोड प्राइस की भी बात करेंगे, इसका ऑन रोड प्राइस क्या पड़ रहा है गुड़गांव में, बाकी अपने वो स्टेट टू स्टेट भी मैटर करेगा, तो आप अपनी स्टेट के हिसाब से देख सकते हो। तो भाई अगर इसके हम सर्विस कॉस्ट की बात करें, जो पहली 3 फ्री सर्विस मिलती हैं आपको 1200 या 1300 के अराउंड पड़ जाएगी, और जो आपकी पेड सर्विस आ जाती है 3 सर्विस के बाद, जो आप कंपनी से ही पेड सर्विस करवाओगे, तो आपको 2500 के अराउंड पड़ जाएगी। तो वो काफ़ी बजट फ्रेंडली है भाई, और KTM बाइक कौन करोगे, तो इतनी सर्विस तो नॉर्मल है भाई। तो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है आपके 2 लाख के अंदर, जो नेकेड वर्जन वाली कोई भी बाइक लेना चाहते हो। तो इसका भाई ऑन रोड प्राइस की बात करें, तो ऑन रोड प्राइस इसका 2,01,000 कुछ अराउंड पड़ रहा है, जो कि अपना दिल्ली में पड़ रहा है, वो आपके स्टेट टू स्टेट भी मैटर करेगा। तो 2,01,000 इसका ऑन रोड प्राइस है, बाकी आप चेक कर सकते हो अपने स्टेट के या नियर बाई शोरूम पे जाके। और एक्स शोरूम की बात करें तो 1,78,000 पड़ जाता है इसका एक्स शोरूम। और मैं इसके प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बताऊँ तो 125 सीसी में नेकेड बाइक्स में इससे बढ़िया बाइक कोई नहीं मिल सकती आपको, काफ़ी अच्छी लुक्स के साथ और काफ़ी ख़तरनाक फीचर्स, और आप देख ही सकते हो भाई पावर भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और बजट फ्रेंडली भी है, माइलेज भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और इसकी हम सर्विस कॉस्ट की बात करें तो भाई सर्विस कॉस्ट भी आपकी 2,250 कुछ में हो जाती है, जो कि आपको अलग मतलब डिफरेंट इंटरवल्स में टाइम पीरियड में आपको करवानी होती है, तो 2,500-3,000 में सर्विस हो जाती है, जो कि अपनी कंपनी से ही हो जाती है, और जो अपनी पहली 3 सर्विस मतलब फ्री सर्विस मिलती है, तो काफ़ी सही है भाई, बजट फ्रेंडली है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है इसमें, माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छी दे देती है, और लुक्स भी ख़तरनाक मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में बस यही था, अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आपको कैसी मतलब आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बता देना, और जो ये न्यू E20 फ्यूल वाला अपडेट है ये भी कैसा लगा, जो कि आजकल की इन बाइक्स में मिल रहा है। तो चलो फिर आपको मिलते हैं अगली बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।